जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम वेव फ्रंट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो दोबारा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। वेव फ्रंट्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम फेज, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम फेज, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वेव फ्रंट, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम फेज। एक्सप्लेनेशन में देखें, आपके साथ कंसिडर अ वाटर वेव इन अ पूल एंड वी हैव अ हॉरिजॉन्टल स्टिक which is dipped in water at constant frequency to produce waves. तो आपके साथ water की waves इस तरह नजर आएंगी जिस तरह आपको इस diagram में नजर आ रही हैं, और इसमें आप देख लें कि the locus of points on the same phase 0 degrees, ये 0 degrees, ये 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees और 360 degrees, these all locus of points are called wave fronts. और students generally 0 और 360 जो आपके साथ दो रियल नंबर्स हैं, इनके दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और अगर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट फेजेस हैं, और अगर इनफाइनाइट फेजेस हैं तो इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स भी होंगे। लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ एक वेव फ्रंट बनाते हैं, और वो हम कौन सा वेव फ्रंट बनाते हैं, 90 डिग्रीज वाला वेव फ्रंट हम बनाते हैं। ये एक रिवायत है कि हम हमेशा 90 डिग्रीज वाला वेव फ्रंट ड्रा करेंगे, ये एक कन्वेंशन है। वरना आप जो है जीरो के लिए भी वेव फ्रंट ड्रा कर सकते हैं, 90 के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, 180 के लिए, 270 के लिए और 360 के लिए भी आप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन रिवायत ये है फिजिक्स की कि हम 90 डिग्रीज के लिए, मतलब हम क्रस्ट पर जो है एक लाइन ड्रा करेंगे। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको वेव रिप्रेजेंटेशन और वेव फ्रंट की रिप्रेजेंटेशन दोनों गिवन है, और आप देख सकते हैं कि ये वेव फ्रंट्स जो बने हैं ये बिल्कुल आपके साथ क्रस्ट पर बने हैं। और इस कन्वेंशन को फॉलो करने का एक फायदा हमारे साथ और भी आ गया, और वो फायदा हमारे साथ ये है कि यहाँ पर हमें पता है कि दो क्रस्ट्स के दरमियान जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो वेव फ्रंट्स के दरमियान ये फासला फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे साथ वेवलेंथ ही होगा। और दूसरा हमें ये पता चलता है, हमेशा याद रखें कि दो वेव फ्रंट्स के दरमियान में हमेशा ट्रफ होता है, क्योंकि हम क्रस्ट के लिए लाइंस ड्रा करते हैं, तो इसलिए दो वेव फ्रंट्स के दरमियान में हमेशा एक ट्रफ जो है वो मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट्स की तरफ आते हैं। हाइजन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक वेव फ्रंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? वेव फ्रंट कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाइजन ने वेव फ्रंट की जो मेथड है ये निकाल कर ये कहा कि वेव्स मोशन नहीं करते, असल में वेव फ्रंट्स जो है वो मोशन करते हैं, और ये वेव फ्रंट्स हमेशा प्रोपिगेशन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होते हैं। ये वेव फ्रंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, और आप इन वेव फ्रंट्स को देखें, ये वेव फ्रंट्स आपके साथ प्रोपिगेशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, जो हमने ऑलरेडी जो है इस अभी डिस्कस कर लिया। और चौथी प्रॉपर्टी, देयर इज ऑलवेज अ ट्रफ बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स जो है ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस एंट्री टेस्ट के लिहाज से है। स्टूडेंट्स, याद रखें कि आपके साथ वेव फ्रंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। कुछ वेव फ्रंट्स को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहते हैं, और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाना ये किसी पॉइंट सोर्स का काम है। लेट सपोज आपके साथ एक पॉइंट सोर्स है, तो उस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो इस तरह बनते हैं जैसे आप एक बैलून में हवा भरते हैं, और जिस तरह वो बैलून थ्री डायमेंशनली बढ़ रहा होता है उसी तरह पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाता है, और ये आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट्स की दूसरी टाइप है साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स साइलेंड्रिकल भी हो सकते हैं,
और साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो है वो लाइन सोर्स जो होता है वो साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनाता है, वो बिल्कुल साइलेंडर की तरह वेव फ्रंट्स होते हैं और उन साइलेंडर का रेडियस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, ठीक है। तीसरी वेव फ्रंट जो वेव फ्रंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स। स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट्स दो सोर्सेज बना सकते हैं, या तो अगर हमारे साथ प्लेन सोर्स है तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा, या फिर अगर पॉइंट सोर्स है लेकिन वो पॉइंट सोर्स हमसे बहुत इंफिनिटी पे है, वो पॉइंट सोर्स हमसे बहुत दूर है, तो जब एक पॉइंट सोर्स हमसे दूर होगा तो वैसे तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएगा, लेकिन वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब हम तक पहुंचेंगे तो वो बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा बन जाएंगे और बहुत बड़े स्फीयर का छोटा हिस्सा हमेशा प्लेन होता है, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स तब बनते हैं जब हमारे साथ एक पॉइंट सोर्स जो हो वो इन्फिनिटी पे हो, तो तब हमारे साथ जो वेव फ्रंट्स पहुंचते हैं वो तकरीबन हमारे साथ मुकम्मल तौर पर प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। तो इस चैप्टर में हमने जो है दो बल्कि तीन शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं अब तक। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो था इट वाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट की हिस्ट्री, ठीक है। उसमें हमने जो है यूक्लाइड का वर्जन पढ़ा था, फिर इब्नुल हैतम का वर्जन आया, फिर रेने डेकार्टलेस का वर्जन आया, फिर आपके साथ ओले रोमर का वर्जन आया, फिर न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी आई, हाइजन की थ्योरी आई, फोकॉल्ट ने फिर न्यूटन की थ्योरी को मुकम्मल गलत कर दिया, यंग्स और फ्रेसनल और एरागो ने जो है वो हाइजन की थ्योरी को सपोर्ट किया बाय स्टडीइंग द इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन, फिर मैक्सवेल की थ्योरी ने हाइजन की थ्योरी में जितने भी फ्लॉज थे वो खत्म किए, और आखिर में आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी देकर ये कहा कि हाइजन की बात भी ठीक थी और न्यूटन की बात भी ठीक थी। फिर हमने जो है इससे पिछले लेक्चर में न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी पे बात की, इसकी प्रॉपर्टीज पर और इसकी एक्सप्लेनेशंस पर, और जो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस पर हमने बात की, और लास्ट में जो है हमने वेव फ्रंट्स की बात की। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाइजन प्रिंसिपल को या हाइजन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। राइट अ नोट ऑन हाइजन प्रिंसिपल। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।